हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, सूट के अंदर से इस प्रकार की फोम निकलती है और इसको हम यूं ही बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इससे आज हम रियूज करके इसका बहुत ही काम की चीज़ बनाएंगे। इसकी लंबाई है 21 इंच, चौड़ाई है इसकी 11 इंच। सेम इसी साइज़ के दो मैंने कपड़े लिए हैं, एक प्रिंटेड है और एक प्लेन है। प्लेन हमें इनर के अस्तर के लिए लेंगे और प्रिंटेड उसको ऊपर लेंगे, अंदर फॉर्म दबाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, बीच में भी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और एक ये लंबी पट्टी मैंने कट की है 3 इंच चौड़ी, इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई हम लगा देंगे। अब इसको हम इस टुकड़े को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसको पिनअप कर देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 पर, और ये कॉर्नर के ऊपर मार्क किया है नीचे की साइड, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। सेम तरीके से दूसरी कॉर्नर के ऊपर भी मार्क करेंगे और उसको भी कट कर देंगे। अब ओपन साइड यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि चारों कोनर पर डबल फोल्ड करने के बाद चारों कोनर पर 1.5 इंच के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उनको कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये मैंने चेन ली है, इसको अलग अलग कर लेंगे और उल्टी रखेंगे इस प्रकार से और इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। ये मैंने सिलाई लगा दी, अब इसको अंदर की साइड पलटेंगे, एक टॉप स्टिच कर देंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम चेन डाल देंगे। अब एक्स्ट्रा चेन को कट कर देंगे। अब हमें साइड वाली सिलाई लगानी है इसके दोनों साइड वाली सिलाई लग चुकी है। अब हमें जो पट्टी हमने बनाई थी उसको डालेंगे इसके अंदर और सेंटर पार्ट में रखेंगे चैन के और इस प्रकार से इसको पिनअप कर देंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है इसके ऊपर इस प्रकार से। अब इस पूरे पट्टी को सीधा कर लेंगे और इस पट्टी को अंदर डाल देंगे पूरा, और अब इसको भी हम सेंटर पार्ट में रखेंगे और यहाँ से इसको भी पिनअप कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके ऊपर भी हमें डबल सिलाई लगानी है और नीचे वाले कॉर्नर के ऊपर भी हमें डबल सिलाई लगानी है इस प्रकार से पकड़कर। इस प्रकार से सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको चेन की साइड से ओपन करेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद इस प्रकार से प्यारा सा छोटा सा हमारा पर्स बनकर रेडी हो जाता है। ये साइड पर्स बनकर रेडी हो गया है। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा है। अब आते हैं दूसरे आइडियाज पर। तो ये 10x11 इंच का मैंने फोम का टुकड़ा लिया है। सेम तरीके से हमने फिर से वही कपड़े लिए हैं दो और बीच में फोम रख के साइड में से सिलाई लगा दी है और फिर से हमने चेन को ओपन किया। ये देखिए, इस प्रकार सिलाई लगाई है मैंने। चेन को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, फिर इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको डेली नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। अब हम इसके अंदर चेन डालेंगे। चेन डालने का बहुत आसान तरीका है, आप तार एक बार खींच के निकाल लीजिए। अब हमें इसके साइड में एक एक सिलाई लगानी है यहाँ पर, और एक छोटी सी स्ट्रिप अंदर लगा देंगे इसके सिलाई लगाने से पहले। अब इसको सीधा कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए, ये हमारी छोटी सी पाउच बनकर तैयार हो जाती है इस प्रकार से। ट्रेवल में ये पाउच बहुत ज्यादा यूज आती है हमारे, ये देखिए। आप चाहो तो इसको पर्स की तरह यूज कर सकते हो डेली रूटीन में, देखिए इस प्रकार से। फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कैसे लगे आज के दोनों आइडियाज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।